हे गंगाधर डमरूधर तेरी जय जय बुलाते हैं, तेरी जय जय बुलाते हैं। कैसे कृपाल हुए भक्तों पर ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। एक लोटा गंगा जल से ये तो खुश हो जाते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं। कैसे कृपाल हुए भक्तों पर ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। केशों में गंगा है इनके और माथे पे चंदा, भांग धतूरा खाता मेरा जोगी मस्त मलंगा। कानों में बेचू के कुंडल गले में नाग है काले, भस्मी भूत मली है तन पर पहने है मृग छाले। मुंड की माला गले में पहनी डमरू खूब बजाए, एक हाथ त्रिशूल पकड़ के तांडव खूब मचाए। क्रोध में आते जब जब शंकर तीजा नेत्र है खोले, नंदी भृंगी आरती गाए शिवगण जय जय बोले। कैसे भक्त जनों पे ये धन धान लुटाते, कैसे कृपाल हुए भक्तों पर ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आज कर रहा भक्तों में गुणगान, सबसे पहले भागीरथ की कथा सुनाता हूँ। कैसे उसके पुरखे तारे ये बतलाता हूँ। राजा सगर ने अश्वमेघ का यज्ञ कराया था, उसकी ख्याति से डर कर तो इंद्र घबराया था। उसने सोचा यदि सगर का यज्ञ सफल हो जाए, कहीं मेरे हाथों से स्वर्ग की डोर चली ना जाए। यज्ञ के विध्वंस की वो तो जुगत लगाते, कैसे कृपाल हुए भक्तों पर ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अश्वमेघ के घोड़े को फिर इंद्र ने चुराया, चुपके से वो उसे कपिल मुनि के पास ले आया। कपिल मुनि के आश्रम जाकर उसको बांध दिए, मुनिवर यज्ञ में लीन थे इंद्र का कपट न जान सके। 60,000 थे पुत्र सगर के आश्रम में आए, यज्ञ का घोड़ा वहाँ देखा मुनि पर वो चिल्लाए। क्रोध में आकर मुनि देव ने आंखें जब थी खोली, उन नैनों से क्रोध भरी फिर ज्वाला एक थी निकली। ज्वाला में जलकर सारे फिर भस्म हो जाते हैं,
कैसे कृपाल हुए भक्तों पर ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सगर के सारे पुत्र थे भटक रहे, राजा सगर ने मांगी क्षमा तो असुवन रो रहे। मुनिवर ने उनकी मुक्ति का एक उपाय सुझाया, माँ गंगा है तरण तारिणी राजा को समझाया। जाओ स्वर्ग से माँ गंगा को धरती पर ले आओ, ब्रह्मा विष्णु की करो तपस्या उनकी शरण में जाओ। तप करते करते सगर की पीढ़ियां मर गई, आस अधूरी गंगा माँ से सबकी रह गई। भागीरथ अब शिव शंकर की अलख जगाते, कैसे कृपाल हुए भक्तों पर ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव शंकर भागीरथ की सुन लो करुण पुकार, माँ गंगा के वेग को अपने केशों में लो धार। विष्णु नख से निकल के गंगा ब्रह्म कमंडल आई, फट जाएगी धरती जो माँ गंगा धरा पे आई। शिव शंकर ने खोल दी भक्तों अपनी तीर जटाएं, ब्रह्म कमंडल निकली गंगा शंकर जटा समाए। अपने केशों से छोड़ी गंगा की निर्मल फिर धारा, भागीरथ के पुरखों को फिर माँ गंगा ने तारा। भागीरथ भोले शिव की जयकार लगाते, कैसे कृपाल हुए भक्तों पर ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों सागर मंथन गाथा तुमको सुनाऊं, शिव शंकर है वरदानी मैं तुमको आज बताऊं। मंथन से जब निकली लक्ष्मी विष्णु वाम बिठाई, वेद पुराण जो निकले ब्रह्मा जी को दिए पठाई। सोना चांदी हीरे मोती असुरों को बांट दिए, आप रहे अघोरी सबको धन और दान दिए। विष हलाहल जब निकला वो कंठ में धार लिया, नील कंठ कहलाए शंकर सबने जकार किया। सबके हित कल्याण की खातिर विष पी जाते, कैसे कृपाल हुए भक्तों पर ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
असुरों को भी वर देते कहलाते ये असुरारी। एक लोटा जल से खुश हो जाते भोले भंडारी। भस्म असुर ने जालंधर ने करी तपस्या भारी। झोली भर वरदान दे दिए शिव शंकर त्रिपुरारी। भस्म असुर ने शिव कुमार ने जब थी दौड़ लगाई। मोहिनी रूप धरा विष्णु ने उनकी जान बचाई। जालंधर ने भी शंकर से आकर युद्ध किया। असुरारी ने त्रिपुरारी ने उसका अंत किया। इसीलिए तो ये भोले भंडारी कहते कैसे कृपाल होते भक्तों पर ये बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं शंकर की बड़ी कठिन की भक्ति। हुए प्रसन्न रावण पर शंकर दे दी अद्भुत शक्ति। रावण ने जो सोने की लंका शिव के लिए बनाई उस पे स्वयं का हृदय आ गया कर शिव जी से दुहाई। एक एक करके अपने नौ सिर रावण ने ते काटे। रावण के दुस्साहस से ये धरती अंबर कांपे। हुए प्रसन्न शिव शंकर उसको सोने की लंका दे दी। सिर लौटाए उसके और चंद्रहास खड़ग भी दे दी। दानियों में दानी भोलेनाथ कहते कैसे कृपाल हुए भक्तों पर ये बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं और जब जब भी शिव भोले को पुकारा। छोड़ कैलाश चले आए और सबका कष्ट निवारा। 16 सोमवार जो कन्या शिव का व्रत कर जाती नित्य नेम से मंदिर जाकर पिंडी को नहलाती। दूध दही घृत और शहद से जो अभिषेक कराती शिव के समान वर वो कन्या जीवन में पा जाती। महामृत्युंजय जाप आपका श्रद्धा से जो करता मृत्यु अकाल से मुक्त वो होता अपनी झोली भरता। आओ हम भी शिव भोले का ध्यान लगाते कैसे कृपाल हुए भक्तों पर ये बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं भक्तों प्यारा। जिसने मन से जाप लिया उसे भव से पार उतारा। सोमवार को प्रिय मानते भोले शिव त्रिपुरारी। गंगा जल जो इन पे चढ़ाए खुश होते भंडारी। भांग धतूरा बेल
फल के पत्ते श्रद्धा से जो चढ़ाए पाप ताप मिट जाए उसके जीवन में सुख पाए। शिव के मंदिर जाकर भक्तों शिव भोले को मना लो मुक्ति का फल पाओगे चलो चंदन तिलक लगा लो। शिव की शरण में जो जाए वही शिव को पाते हैं कैसे कृपाल हुए भक्तों पर ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं।